किसी का डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, हैंड रेज का भी आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, फिक्स एक्सपेंस दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, कैलकुलेट पीवीआर, प्रॉफिट व्हेन सेल्स 20,000, जब आप 20,000 का सेल करोगे तो कितनी कमाई होगी ये भी बताना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ रिड्यूस बाय 20%, अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। पॉइंट नंबर वन पीवीआर, ये तो बड़ा आसान है। क्या पीवीआर कहता है, पीवीआर कहता है भाई कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई क्या रखो, सेल्स इंटू में 100। तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आपको चाहिए यहां पे एक तो सेल्स तो चाहिए चाहिए। क्या क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, बताइए क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, जवाब दीजिए क्वेश्चन में क्या सेल्स गिवन है, जवाब है सर सेल्स भी नहीं, ना तो हमें क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन पता, ना क्वेश्चन में सेल्स पता हमें, और पीवीआर भी नहीं पता। तो बड़ी बेसिक सी चीज है, हम एक काम कर सकते हैं, हमें ब्रेक इवन पॉइंट पता है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाया जाए, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय, क्या पीवीआर होता है, एफ सी डिवाइडेड बाय पीवीआर, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है सर 10,000, एफ सी कितना दे रखा है सर, एफ सी दे रखा है 4,000, लो जी पीवीआर आ गया, ऐसे निकाल लेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो पीवीआर क्या आएगा, पीवीआर आ जाएगा हमारा, पीवीआर आ जाएगा। तो यानी जरूरी नहीं एक ही फॉर्मूला, अब देखो कहां से कहां निकाल लिया हमने, ये आ जाएगा हमारा 4,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 40% पीवीआर आ गया, 40%। पहले सवाल का आंसर डन, पहले सवाल का आंसर डन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड कहता है प्रॉफिट व्हेन सेल्स 20,000। ओके सर, सेल्स हमारा है 20,000 माइनस में वीसी, तो सर वीसी कितना होगा, सर वीसी होगा हमारा 60%। याद आया आपको कि पीवीआर का उल्टा वीसी होता है, तो 60% अगर देखा जाए तो कितना होगा इसका 12,000। तो कंट्रीब्यूशन क्या आ गया सर, कंट्रीब्यूशन आ गया 8,000 माइनस में एफसी कर दो, एफसी कितना था 4,000, दैट इज प्रॉफिट आ गया। तो देखो मैं अगेन कहूंगा कि मैं थोड़ा तेज इसलिए भी करा रहा हूं कि पहले भी कराया था, और बाकी आपको बिल्कुल अलर्ट होके करना होगा, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला कहां से कहां लग जाता है, बच्चे कई बार इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। तो अब देखो यहां पे इस तरीके से निकाल लिया, क्योंकि हमें यहां पे वीसी भी नहीं पता था, तो वीसी आपको दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला के, वीसी ऐसे भी निकाला जा सकता है। सिर्फ इसी वजह से हमने पहली क्लास के अंदर छोटे से पॉइंट में इतना समय लगा दिया था, ताकि आपको सारी बातों का डिटेल में पता हो, क्योंकि ये चीजें अगर मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊं ना तो भूल जाओ कि आगे आपको फिर समझ में आएगा कुछ चीजें, फिर आप पूछते रहोगे कि सर ये कैसे आया, आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया इसको। चलिए पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री कहता है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%। सर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाएगा 20%, तो सबसे पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, ब्रेक इवन पॉइंट कितना था सर, ब्रेक इवन पॉइंट था हमारा 10,000। अभी तक हम सेल्स नहीं निकाल पाए, लेकिन मैं अब सेल्स निकाल के दिखा रहा हूं आपको। यहां पे हमने क्या निकाल लिया, पीवीआर और वीसी कितना है 60%, तो पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। तो सर सेल्स होगा हमारा इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा क्या था, फॉर्मूला कहता था ब्रेक इवन पॉइंट में होता है हमेशा हमारा सेल्स इज इक्वल टू टीसी, ब्रेक इवन पॉइंट में यही बताया था, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है टीसी। अब सर ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हमें यह पता है ब्रेक इवन पॉइंट कितने हैं हमारे, ब्रेक इवन पॉइंट तो बोलता है सर ₹10,000। ओके, अब आपको क्या टीसी पता है, यहां पे टीसी नहीं पता लेकिन वीसी जरूर पता है यहां पे, तो वीसी क्या है हमारा 60%, 60% व्हाट, क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं, क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं, क्योंकि ये तीनों क्या है इक्वली तो है, क्या मैं इसको सेल्स बोल सकता हूं, ये तीनों इक्वली तो है, मैं इसे हटाई देता हूं, ये तीनों इक्वली तो है, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, यहां पे सेल्स भी बोल सकता हूं। तो अगर ये हमारा सेल्स बन गया, अगर हमारा सेल्स बन गया ये, तो सर वीसी भी निकाला जा सकता है, वीसी 60% है, दैट इज आपका
6,000। तो पहले तो आप ये सोचिए कि सर हमारा यहाँ पे सेल्स तो 10,000 है और वीसी पुराने वाला 6,000 है और एफसी पुराने वाला 4,000 है, तभी पुरानी कहानी। मैंने क्वेश्चन को डेवलप किया है। अब सवाल में कहता है सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो सर, सेलिंग प्राइस। तो सर सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने को बोला जा रहा है, तो मेरा जो सेल्स होगा और वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय पी वी आर इंटू में 100। सर एफ सी तो हमें पता है 4,000, पी वी आर नहीं पता। पी वी आर का फॉर्मूला ओपन करो, क्या होगा सर? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू में 100। सर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, दिमाग लगाओ। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस में वीसी। सर यहाँ पे सेल्स क्वेश्चन में क्या है? सेल्स ड्रॉप डाउन होगा नए वाले में, तो न्यू सेल्स जो होगा ना, वो न्यू सेल्स जो होगा वो कितने परसेंट होगा? यानी सर 8,000 होगा। तो दैट इज आपका क्या आएगा सर? 8,000, और माइनस में वीसी पे बदलाव नहीं होगा, तो इसका मतलब सर ये 2,000 आएगा। मैं इसको इसका मतलब सर ये क्या आएगा हमारा? 2,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन 2,000 है, तो सर ये निकाल लेते हैं। 2,000 डिवाइड किससे करेंगे? सेल्स तो अब क्या आ चुका है? 8,000 इंटू में 100। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 25%। ये क्या आ गया सर? 25%। अब बड़े आसानी से निकाल सकते हो, 25 इंटू में 100। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू में 100, तो 16,000। तो सर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आपको रखना होगा 16,000 रुपये। अगर आप चाहते हो कि आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए, तो आपको सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, जो कि है 16,000। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे। एक बार देखिए, इसमें डाउट है तो एक बार देखिए, डाउट है तो। आज अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या किया है? सिर्फ कंट्रीब्यूशन सीख लिया, पीवीआर सीख लिया और ब्रेक इवन पॉइंट सीख लिया। हालांकि मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हिंट दे दिया, जो कि हमने हमारे अगले क्लास का एजेंडा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और भी कुछ एक पॉइंट उसके अंदर आएंगे। यहां तक क्लियर है? सत्येंद्र ने 66 निकाला है, ये पता नहीं है 66 क्या निकाला है। कहना है फर्स्ट में ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन में एफसी कंट्रीब्यूशन होता है, तो डायरेक्ट 4,000 ही ले सकते हैं। सर 8,000 न्यू सेल्स बता दो। 8,000 न्यू सेल्स किसने कहा था? सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगा। ये वाला जो सेल्स निकाला, ये तो ओल्ड वाला था, पुराने ब्रेक इवन से, और बोलता है वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करो। तो रिड्यूस जब इसको करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ज्यादा स्पीड में मत कराओ। ये पहले करवा भी रखा था, इसलिए थोड़ा स्पीड में लेके हुए, बाकी अगली क्लास से बहुत धीरे धीरे करेंगे। बाकी आप दोबारा करेंगे इस पूरे क्वेश्चंस को। डन। यस तो सर बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे ये जो थर्ड पॉइंट है, तो सर 20%, तो थर्ड पॉइंट सर है 20%। हाँ जी सर, हाँ तो सर अगर यहाँ पे हमें यूनिट्स दे रखी होती सेल्स की, या जितना भी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करा है, वो यूनिट्स अगर हमें दे रखी होती, तो सर हम सेल्स को नहीं निकालते ना यहाँ पे, मतलब अगर यूनिट जैसे दे रखा होता तो हम सिर्फ सेलिंग प्राइस, अगर यूनिट देगा तो सेलिंग प्राइस भी देता,
तो हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करके जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हाँ सेल्स ही ठीक नहीं दिया है, एग्जामिनर ने। ठीक है सर, थैंक यू। यस मानसी बताइए। न्यू सेल्स कैसे आया? 8,000? 8,000 सेल्स आया आपका, 10,000 में से माइनस कर दिया 20%, 20%। ठीक है, सर यस अभिषेक। हाँ जी अभिषेक बताइए। हमें सेल्स मतलब न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था। पहले पहले वाले क्वेश्चन में उसमें सेलिंग प्राइस दे नहीं रखा, पर हमने सेल्स में से क्यों 10% माइनस किया? कौन से क्या पॉइंट की बात कर रहे हो, इससे पिछला सवाल? हाँ जी, इससे पिछले से पिछले सवाल में। आप इसमें बात कर रहे हो हाँ जी, फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, पर हमें सेकंड, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे नहीं रखा। सेलिंग प्राइस नहीं दे रखा तो हम ये मानेंगे यही सेल्स है और यही अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस भी होगा मल्टीप्लाई करके, तो हम इसी को पूरा मान के चलेंगे। अच्छा सर, एक और डाउट है, जो आपने MN अरोरा बुक बताई थी हाँ सर, वो मेरे पास, मेरे कोई दोस्त है, मैं उसके पास पुराना बुक पड़ा हुआ है, तो मैं वो ले सकता हूँ? क्योंकि अगर सिलेबस सेम होगा उसका, कितने पुराना बुक है, कितने पुराने? और ऑनर्स का तो नहीं है ये देखना। अगर ऑनर्स का होगा तो मतलब वो जो एडिशनल चैप्टर है उसके अलावा सब बाकी सेम ही होगा क्या? अच्छा, हाँ बाकी लगभग सेम होगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव चेंजेस है नहीं। तो मैं ऑनर्स वाला ले लूँ क्या उससे? चल जाएगा, आप चलाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी सचिन बताइए। सर जो ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें तो हमें लॉस हो रहा था, जैसे अगर 8,000 हम सेल कर रहे हैं तो उसमें लॉस है, तो फिर वो ब्रेक इवन अचीव कैसे होगा? क्योंकि हमने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा दिया, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा दिया ना। पहले हम 10,000 रुपये सेल कर पा रहे थे पूरे दिन में, अब हम 16,000 कर रहे हैं तब भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। अगर हम सेलिंग प्राइस रिड्यूस नहीं करते तो 10 से 16 पे जाते तो 6,000 डायरेक्टली हमारे पॉकेट में प्रॉफिट आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारा सेल्स बढ़ने के बाद भी, मेहनत करने के ज्यादा बावजूद भी, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, तो इसलिए सेल्स प्राइस रिड्यूस पे भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया। सर मतलब सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया और वॉल्यूम ज्यादा बेच रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा वॉल्यूम बेच के हमारा ब्रेक। जो हमारा सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने से लॉस हो रहा था ना, वो सेल्स को बढ़ाने के बाद वो अचीव कर गया, वो उसको बराबर कंपनसेट कर दिया उसने। तो हम ज्यादा यूनिट्स बेच के ब्रेक इवन अचीव कर पा रहे हैं, पहले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम यूनिट्स बेच रहे थे तो ब्रेक इवन हो रहा था। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। चलिए किसी का कोई और डाउट? अक्षय क्या कहना है? जो बुक, बिल्कुल जो बुक करा है MN अरोड़ा ही बुक है, और ये क्वेश्चन जो PDF में डाल रहा हूँ ये भी MN अरोड़ा बुक है। 10 ईयर में अभी टाइम लगेगा थोड़ा, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा सारा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा एजेंडा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर जो बुक लेनी है उसका फ्रंट पेज मैंने भी नहीं देखा, आज मैं देख के फिर मैं बता दूंगा आपको। मैंने भी नहीं देखा क्योंकि नई बुक अब आनी चालू हुई है, पहले तो कोविड के चक्कर में कोई बुक ही प्रिंट नहीं हो रही थी। तो फ्रंट पेज एक बच्चे ने भेजा था, मैं देख के आपको बता दूंगा। बुक लेनी है उसका फर्स्ट पेज, मैं एक बार पूरा शो कर दूंगा मैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।